कैसे हुई थी मीराबाई की मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, कैसे हुई थी मीराबाई की मृत्यु, आइए विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। मीराबाई की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के बीच कई मतभेद है। कोई कहता है कि उन्होंने द्वारिका में देह त्यागी थी और किसी के अनुसार वो वृंदावन में थी। मीराबाई को लेकर ये लोक कथा प्रचलित है कि उन्होंने देह त्याग किया था लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। प्रचलित कथा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीराबाई घंटों तक कृष्ण मंदिर में नाचती गाती रही थी और उनकी भक्ति देखकर पूरा माहौल दिव्य हो गया था। एक समय के बाद वो जमीन पर गिर गई और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए थे। जब कुछ क्षण बाद वो खुले तो दिव्य रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। लोगों के अनुसार उस वक्त बांसुरी की मधुर तान बज रही थी और मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति में लिपटी हुई थी। मीराबाई मरी नहीं थी, बस कृष्ण में विलीन हो गई थी। इतिहास में भी उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी ठीक ठाक नहीं लिखा है और उनकी मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो ये थी मीराबाई के बारे में कुछ रोचक बातें। ऐसे ही किसी अन्य के बारे में भी आप जानना चाहें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख लें ताकि हम जल्दी से जल्दी उस पर स्टोरी कर आपको जानकारी दे सकें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से। धन्यवाद।